दोस्तों नमस्कार, इनू इनू सिन्हा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कांगेर के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए हम कांगेर के ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए चलते हैं। नाथिया नवगांव के वनांचल से कांगेर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। घने कोहरा के बीच यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता में और निखार आ रहा है। आगे बढ़ने पर मुख्य सड़क के दाईं ओर पश्चिम दिशा में भव्य इमारत तैयार हो रहा है, देखने में किसी राजमहल से कम नहीं, जिसके सामने ओपनिंग सुन माकड़ी होटल का बैनर टंगा है। कांगेर शहर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नगर में प्रवेश करने के बाद मुख्य सड़क में घड़ी चौक है। घड़ी चौक से दाईं ओर गुजरने पर नरहरदेव का ऐतिहासिक इमारत विद्यमान है। यहाँ वर्तमान में शासकीय नरहरदेव अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहा है। इस परिसर में चारों तरफ कक्षे ही कक्षे नजर आते हैं। शासन प्रशासन द्वारा इस इमारत को और बेजोड़ व सुंदर बनाया जा रहा है। नरहरदेव की इस किला के ठीक सामने विस्तृत क्षेत्र में फैला खेल का मैदान है, जहाँ पूरे नगरवासी सुबह शाम बच्चे बूढ़े जवान कसरत व चहलकदमी करते नजर आते हैं। नरहरदेव के प्राचीर किले के भीतर प्रवेश करने से मन आनंदित हो उठता है। चारों तरफ खूबसूरत नक्काशी में तैयार की दीवारें बेहतरीन लगते हैं। वर्तमान में इस परिसर को नवनिर्माण किया जा रहा है। नरहरदेव के प्राचीर के बाद हम शहर में प्रवेश करते हैं तो दाएं भाग में वृहदाकार में फैला तालाब है, जिसे राजा तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब की सुंदरता अनुपम है। यहाँ मछुआरे द्वारा मछली पकड़ी जा रही है। तालाब के मध्य भगवान महादेव की विशाल मूर्ति के दर्शन दूर से ही किया जा सकता है। तालाब के पीछे खूबसूरत गार्डन है। राजा तालाब के दक्षिण छोर में पंचमुखी भगवान हनुमान जी की दिव्य मूर्ति विराजित है, जहां शनिवार व मंगलवार को काफी भीड़ जमा हो जाती है। शहर के मध्य बाएं दिशा में कचहरी परिसर है। इस परिसर को देखने से कांगेर रियासत का जीता जागता स्वरूप आंखों के सामने अनायास ही आ जाता है। जहाँ राजा की कभी चतुरंगिनी सेनाएं इस परिसर में चहलकदमी करते रहे होंगे, आज ये इमारतें उन यादों को ताजा करते नजर आती हैं। पुराना बस स्टैंड के ठीक सामने भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर स्थापित है। मुख्य मार्ग पर गुजरने पर दाईं ओर कोमलदेव हॉस्पिटल परिसर है, जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। लोग यहां पर आकर के अपने बीमारी का इलाज करवाते हैं। इसी हॉस्पिटल परिसर के बगल से गुजरने पर हरे रंग के बोर्ड में देवभूमि राजापारा में आपका हार्दिक अभिनंदन है लिखा टंगा हुआ है। कुछ देर बाद ही हम राजमहल परिसर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ हनुमान जी व भगवान नरसिंह भगवान की दिव्य मूर्ति विराजित है। जय भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के पश्चात राजा के पुराने राजमहल की ओर हम प्रवेश करते हैं। यहाँ राज परिवार के वंशज आज भी यहाँ निवास कर रहे हैं। इसी परिसर में श्रीमान विजय नरेंद्र देव जी से हमारी मुलाकात हुई। इस परिसर में 18वीं सदी का राजमहल परिसर आज भी अडिग खड़ा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
राजमहल परिसर के बाद मुख्य सड़क मार्ग से आते हुए हम नया बस स्टैंड में पहुंचते हैं। नया बस स्टैंड के दक्षिण दिशा में मड़ई भाटा है। यहीं से गढ़िया पहाड़ या किला डोंगरी पहाड़ चढ़ने का रास्ता आपको मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने के लिए मन की शक्ति और महादेव की भक्ति आवश्यक है। पहाड़ी पर आज मोटरसाइकिल कार से चढ़ाई किया जा सकता है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। कुछ दूर चढ़ने के पश्चात वन विभाग व पर्यटन विभाग द्वारा विशाल गेट का निर्माण किया गया है, जहां गाड़ियों का नंबर पता नोट किया जाता है व यात्री शुल्क का टिकट काटा जाता है। रास्ते काफी घुमावदार व खतरनाक है। घुमावदार सड़कों को पार करने के पश्चात ऐतिहासिक धर्मद्वार के नाम से बोर्ड टंगा हुआ है, जहां राजा कंडरा व डोंगरी किला का संक्षिप्त जानकारी दिया गया है। आगे बढ़ने पर दाएं दिशा में विशाल खजाना पत्थर है, जो अद्भुत है। इस क्षेत्र को राम वनगमन मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी के दक्षिण दिशा में आगे जाने पर भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के शिलालेख के दर्शन भी किया जा सकता है। मंदिर के ठीक सामने सोनई रूपे तालाब वृहद आकार में फैला हुआ है। इसके इर्द गिर्द बंदर भी दिखाई पड़ते हैं। सोनई रूपे तालाब के बारे में कहा जाता है कि राजा कंडरा ने अपने प्रजाजनों के लिए तालाब खुदवाया था, लेकिन इस तालाब में पानी नहीं भर पाया और हमेशा सूखा रहता था। एक दिन राजा के सोनई रूपे नाम की जो दो कन्याएं थी, इसी सूखे तालाब में खेल रही थी। तभी अचानक कहीं से जल का स्रोत फूट पड़ा और राजा की दोनों कन्याओं का जल समाधि यही हो गया। इस घटना ने राजा को बहुत दुखी कर दिया और राजा अपने परिवार व प्रजाजनों को लेकर दूध नदी के किनारे बस गए। लेकिन उस दिन से आज तक तालाब का पानी फिर कभी नहीं सूख पाया। तभी से सोनई रूपे तालाब के नाम से आज भी लोग इसको याद करते हैं। इस तालाब के किनारे योग माया व माता शीतला माता का मंदिर स्थापित है। पहाड़ी के उत्तर भाग में होलिका दहन व फांसी भाटा का मैदान है, जहां राजा अपने देशद्रोहियों को सजा दिया करते थे। इसी मैदान के बगल से गुजरने पर सेल्फी पॉइंट यात्रियों को मंत्रमुग्ध करता है, जो अपने आप में अद्भुत है, जहां से पूरे शहर को देखा जा सकता है। किला डोंगरी पहाड़ के मध्य एक चबूतरा का निर्माण किया गया है, जहां यात्री आराम कर सकते हैं। वापस आने पर मुख्य टिकट काउंटर के गेट के सामने दाईं ओर से जोगी गुफा जाने का मार्ग है। जोगी गुफा का मार्ग बहुत ही रमणीय है। इस परिसर के दाईं ओर खूबसूरत तालाब है। आगे बढ़ने पर सीढ़ियों की सहायता से हम वृहद आकार में फैले पत्थर के चट्टानों पर मंदिर का निर्माण किया गया है। यहीं पर जोगी की तपोस्थली की भी माना जाता है। यह खूबसूरत पहाड़ी भाग अत्यंत रमणीय है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी में एक गुप्त मार्ग भी है, जिसका द्वार सीधे बस्तर की पहाड़ी में निकलता है। पहले राजा इसे विकट परिस्थिति में इसका उपयोग करते थे, जो आज अतीत के गर्भ में समा गए हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।